नाजरीन, तो एक बहुत ही सैड न्यूज, एक बहुत ही बुरी खबर इस टाइम सुनने को मिल रही है कि सिद्धू मूसेवाले को शॉट डेड, उसको मार दिया गया या पता नहीं क्या रीजंस बनी है समवेयर इन पंजाब। तो इतनी सैड खबर है ये पूरे इंडिया के लिए, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हम तो भाई परेशान हो गए। पंजाबी के लिए, पंजाबी लैंग्वेज के लिए जितना इस बंदे ने प्रमोट किया पंजाबी लैंग्वेज को, इंस्पिरेशन बना यंगस्टर्स की, यंगस्टर्स ने इनके गाने सुन सुन के काम करना शुरू कर दिया था यार। मतलब लोगों ने यार ओके कि यार हम कुछ करेंगे, उसने इतनी मेहनत की, मतलब एक इंस्पिरेशन थी उसके गाने के अंदर। मैं उसको इसलिए ज़्यादा हाई रेट करता था कि उसके गाने का कोई मकसद होता था। तो एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि म्यूज़िक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। म्यूज़िक जहाँ भी है, म्यूज़िक जिंदा है। और सिद्धू मूसेवाला पंजाबी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा नाम, एक एरा पूरा उसका चला है। तो मैं बहुत कम लोगों का फ़ैन हूँ, लेकिन सिद्धू मूसेवाला इज़ वन ऑफ देम, जिसका हर दूसरा बंदा फ़ैन था, क्योंकि उसके गाने, उसके लिरिक्स एक पैगाम होते थे, एक चीज़ होती थी। तो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। मुझे नहीं पता इंडिया के हालात, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम ये नंबर वन ट्रेंड भी कर रहा है। और ये बहुत, अल्लाह ताला उनके जो माँ बाप हैं उनको सब्र दे, जो उनके बहुत डाई हार्ड फैंस हैं, मुझे पता है उनकी हालत आज बहुत ख़राब होने वाली है, तो उनको भी सब्र दे। और इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा लॉस है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़।